तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गुण संधि। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है गुण संधि। गुण संधि, ठीक है। गुण संधि में जो मेन बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि गुण संधि ए और ओ पर बेस्ड है पूरी, मतलब कि ये मात्रा या ये मात्रा आ गई तो वो गुण संधि होगी, पक्की बात। ठीक है, गुण संधि ए और ओ को गुण संधि कहते हैं, ये मान लो बस आप, ए और ओ को गुण संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब ए और ओ बनेगा कैसे? कंडीशन ये हो सकती है, या तो ए प्लस में ई ए बन जाएगा, या आ प्लस ई ए बन जाएगा, या ए प्लस बड़ी ई ए बन जाएगा, या आ प्लस में बड़ी ई जो होगा वो ए बन जाएगा। ठीक है, ये दो चीज में पूरी गुण संधि समाई हुई है, सिर्फ ए और ओ में। ठीक है, और अब आपको दिखाते हैं ओ कैसे बनेगा। ए प्लस उ आ गया तो ओ बन जाएगा, आ प्लस उ आ गया तो ओ बन जाएगा, ए प्लस बड़ा उ आ गया तो ओ बन जाएगा, आ प्लस बड़ा उ आ गया तो भी आपका ओ बन जाएगा। अब हमें करने हैं इसके एग्जाम्पल सारे। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल लेंगे अपने वो लेंगे अपने ए प्लस में ई ए बनता है, इसका मतलब है ये मात्रा आएगी। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल लेंगे अपने उसमें ए की ध्वनि आएगी, ये ए की ध्वनि आएगी, ध्वनि को पकड़ना है अपने, ए की ध्वनि आएगी और यहां पर ई की ध्वनि आएगी। तो एग्जाम्पल करते हैं अपने कुछ इसके, जैसे कि देव प्लस में इंद्र, देव प्लस में इंद्र, तो देव में से आता वह आ गया और ये आ गया ए निकल गया, यहां पर है बगल में अपने इंद्र। ए और ई क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ए और ई क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो बना दो ए, दे वह ये बन गया ए और ये बन गया द्रे, तो ये पूरा मिलकर बन जाएगा देवेंद्र। ठीक है जी, ओके। ठीक है, अब एग्जाम्पल करना है अपने को आ, आ प्लस ई का एग्जाम्पल करते हैं अपने। जैसे महा प्लस इंद्र, ठीक है, महा प्लस इंद्र कैसे बनेगा ये देखते हैं। महा में ध्वनि है आ की, महा में जो ध्वनि है वो है आ की। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया इसमें से आ, और ये आ गया इंद्र। आ प्लस ई क्या बन रहा है, ए बन रहा है, बना दो ए, बना दिया जी। अब ए जो है वो इसमें जब जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा, महेंद्र, महेंद्र। ठीक है, ये बन गया। एक एग्जांपल कर लेते हैं अपने ए का और बड़ी ई का, तो भी ए ही बनेगा। ठीक है, तो ये देख लेते अपने एग्जाम्पल है, नर प्लस में ईश,
नर प्लस में ईश एग्जांपल है, तो नर प्लस में ईश ये बन जाएगा नर, ये निकला ए, ये निकला ई, ये आ गया श, तो ए और ई आपको पता है ए बन गया, तो पूरा बन गया ये नरेश। ठीक है भैया, ये बन गया नरेश। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं अपने आ प्लस बड़ी ई का। तो इसमें एग्जांपल आता है राका प्लस में ईश, तो जो राका में से निकला आ, यहां पर ईश है, तो आ और ई का बन गया ए, तो ये बन गया राकेश। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, ये हो गया आपकी गुण संधि का ए वाला पोर्शन कंप्लीट। ठीक है जी, अब बनाना है अपने को ओ, अब बनाना है ओ। अब बनाना है आपको ओ, ओ कैसे बनेगा पता है आपको, ए प्लस में ऊ का बनेगा ओ, ए प्लस ऊ का बन जाएगा ओ। ठीक है, ए प्लस ऊ का बन जाएगा ओ। तो देखते हैं अपने, जैसे कि अन्य प्लस में उचित, तो यहां से ए निकला, यहां से ऊ निकला, क्या बन जाएगा ओ, तो ये सिंपल सी बात है, ये बन जाएगा अनियोजित। ठीक है, आगे देखते हैं, अब बनाएंगे अपने आ प्लस में ऊ का। ठीक है, तो आ प्लस में ऊ बनेगा महा प्लस में उत्सव, यहां ऊ आ रहा है, यहां आ रहा है, तो पता ही आपको ओ बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा महोत्सव। ठीक है जी, अगला एग्जांपल कर लेते हैं अपने ए प्लस में बड़े ऊ का। ठीक है, एक इसका अपवाद है ये अक्ष प्लस में ऊ ही नी, अक्ष प्लस में ऊ ही नी। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या है कि ए यहां पर है ऊ, तो बनना चाहिए ओ, लेकिन अपवाद के कारण इसमें बनता है अक्षोहीनी, और ये न का अनय होता है, इसमें व्यंजन संधि का भी नियम लागू हो गया, न का हो गया अनय और डबल मात्रा आ गई, मतलब इसमें औ आ गया औ, जबकि आना था इसमें ओ आ गया औ, तो ये अपवाद है। ठीक है, नौ प्लस में उड़ा एक और एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें से निकला ए, इसमें उ है, ये अपने ध्वनि देख रहे हैं, अपने ध्वनि देख रहे हैं, नौ में ए की ध्वनि आ गई लास्ट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा नवोडा, नवोडा का मतलब होता है नव विवाहित, नव विवाहित को कहते हैं अपने नवोडा। ठीक है, अब बनाना है आ और ऊ का ओ, मतलब कि जैसे गंगा प्लस में उर्मी, तो आ है इधर ऊ है, गंगा प्लस उर्मी, तो ये क्या बन जाएगा गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी क्या बन जाएगा गंगोर्मी बन जाएगा। ठीक है, ओके, आ है और ऊ है, ओ बन गया गंगोर्मी बन गया। ओके, गुण संधि में एक और अक्षर आता है जो आता है अर,
अर भी आता है, मेनली ये दोनों आएंगे, लेकिन इसमें अर को भी शामिल किया जा, अर को भी शामिल किया जाता है। अर बनेगा एक तो आपका आएगा री ऋषि, ठीक है, एक आपका आएगा इसमें ए या आ आ सकता है, मतलब ए या आ आ जाएगा, उसके बाद अगर री आ जाए तो उसका अर बनता है। कुछ एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको, जैसे कि वर्षा प्लस, वर्षा प्लस ऋतु, तो ये बनता है वर्षतु, बनता है, बना कैसे ये वर्षतु बन गया, बना कैसे ये देखते हैं। तो ये वर्षा में से क्या हुआ, वर्ष आया और आ इसमें से बाहर निकल गया और ये री आ गया, तो आ और री आपको पता है अर होता है, तो ये आ गया अर, यहाँ पे है तू, ए इसमें जाएगा तो ये वर्ष पूरा हो जाएगा, हो गया जी। आधा रह हमेशा ही अगले अक्षर पर जाता है, तो ये तय यहां पर आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे, वर्षतु बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बन गया वर्षतु। ओके, जैसे कि महा, एक एग्जांपल ए वाला भी कर लेते अपने, देव प्लस में ऋषि, देव प्लस में ऋषि, ठीक है, तो देव आ गया यहां पर, ए इसमें से बाहर निकला, ये आ गया री और ये आ गया शी, तो ए और री का आपको पता ही है अर बनता है, बन गया अर। अब ये ए जाएगा वैन में मिल जाएगा, तो ये देव तो हो गया पूरा, आदर है इस पे जाएगा तो ये बन जाएगा देवर्षि। तो ये आपकी गुण संधि होगी कंप्लीट। अगले जो संधि करने वाले अपने, वो संधि होगी आपकी यण संधि, ठीक है जी, ओके, बाय बाय।